हेलो फ्रेंड्स, तो कान्हा के ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और जैसे कि आप ये मेरी प्लेट में जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, इनको देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि फिर से ये एक चटनी की ही रेसिपी है। और बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो हमारे सारे हैं, लेकिन चटनी में एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो कि बहुत ही खास है और वो भी सीजनल है, जिसको आप मुश्किल से मैं एक साल के अंदर मतलब 5 से 7 बार ही बना पाओगे, और वो भी सिर्फ इसी जनवरी के ही महीने में। तो ये जो है ये है लहसुन की क्या कह सकते हैं, ग्रीन वाली जो लहसुन आती है ना इसी सीजन में जो हमें मिलती है, उसकी 2-3 डालियां हैं, और धनिया, पुदीना, अदरक और ये मिर्च और आधी कटोरी दही। ये तो सारे कॉमन चीजें हो गई। जो हमारा क्या कहते हैं मेन जो इंग्रेडिएंट है ना उस इस चटनी का, वो है ये हरा चना, जो कि हमें सिर्फ इसी महीने में ही मिलता है, वो भी कुछ ही टाइम के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इसकी चटनी। तो हम स्टार्ट करते हैं चटनी को बनाना। इसके लिए मैं इसको सबसे पहले डालूंगी अपने जार में। तो चना मैंने इसमें जार में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये अपने जो लहसुन है, ये हमारे हरे मिर्च, ये हमारा अदरक, ये पुदीना मैं फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ती है तब मैं इसको डालती हूँ, और ये है हमारा ढेर सारा धनिया। धनिया की क्वांटिटी हम थोड़ी एडजस्ट कर लेंगे। और ये है हमारी दही, दही को डाला हमने इसके अंदर। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा जीरा, ये गया हमारा जीरा। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा प्लेन सॉल्ट। और इन सारी चीजों को डालने के बाद हम फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। और फिर अब मैं मिलती हूँ मैं आप लोगों से इसको ग्राइंड करने के। तो फ्रेंड्स, हमारी चटनी जो है वो पीस करके तैयार हो गई है, और मेरी दही ज़्यादा खट्टी नहीं थी इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नींबू भी ऐड किया है। तो आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारी चटनी है देखिए ये बन करके बिल्कुल तैयार है। इसको पराठे के साथ इंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।